की सियासत में कौन है जंगली शेर जिसके निकलने पर मच जाता है हड़कंप? जी हां, यूपी की सियासत में यूं तो एक से बढ़कर एक महारथी हैं जो खुद को शेर समझते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज तो योगी का ही है। फिर योगी राज में कौन है ये शेर जो खुद को जंगली भी बताता है? कौन है वो जीव जिसके निकलने पर हड़कंप मच जाता है? तो चलिए मिलवाते हैं आपको यूपी की सियासत के एक शख्स से जो खुद को जंगली शेर बता रहा है, खुद को ऐसा जीव बताता है जिसके निकलने पर हड़कंप मच जाता है। और आपको यह भी बता दें कि ये जीव आजकल योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों से करीबी बढ़ा रहे हैं, मेल मुलाकात चल रही है। चलिए मिलिए फिर जंगली शेर से। जी हां, ओपी राजभर, सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो खुद को जंगली शेर मानते हैं। एक सवाल के जवाब में ओपी राजभर ने यह बात कही। असल में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब एक मंत्री से मुलाकात को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे निकलने पर जंगली शेर की तरह हड़कंप मच जाता है। सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में योगी आदित्यनाथ सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जब उनसे कई सवाल किए गए, ओम प्रकाश राजभर एक न्यूज चैनल से बात कर रहे थे। योगी के मंत्री से मुलाकात पर ओपी राजभर ने कहा कि वो एक ऐसे जीव है जैसे जंगल से शेर निकलता है तो हड़कंप मच जाता है। खैर, सवाल ये है कि इन दिनों बीजेपी से ओपी राजभर की करीबी के क्या मायने हैं? क्या बीजेपी के साथ जाने की तो कोई योजना नहीं है? इसका सीधा जवाब तो ओपी राजभर ने नहीं दिया, लेकिन कहा अपने क्षेत्र की समस्या के विषय पर मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे तो किससे मिलेंगे। वहीं आगे ओपी राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो आदेश दिए गए थे जिस पर सरकार द्वारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बलिया और बनारस की रोडवेज बसों के लिए दयाशंकर सिंह से बात की है। तो वहीं बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी सपा गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, मिलना जुलना तो सबसे लगा रहेगा। वहीं लगे हाथ उनसे शिवपाल अखिलेश के बीच तनातनी को लेकर भी सवाल पूछ ही लिया गया। तो चलिए बताते हैं आपको क्या कहा ओपी राजभर ने। गठबंधन के नेता तो जयंत चौधरी भी हैं, लेकिन वो नाराज नहीं है। केशव देव मौर्य भी नाराज नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के परिवार का मामला है, ये बात अखिलेश यादव बता सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है। शिवपाल यादव को बेहतर पता होगा कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें कितना झटका दिया है। अभी तो वो चुनाव समाजवादी पार्टी से ही जीत कर आए हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि इस बारे में शिवपाल यादव से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो वहीं शिवपाल यादव द्वारा योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, राजनीतिक परिवार के बीच इस तरह नोकझोंक होती रहती है।